So hello everyone and welcome to Unacademy platform. So guys, आज हमारा YouTube session है and ये YouTube session जो है हमारा PERT and CPM के ऊपर है, ठीक है? So session start करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ important information जो है वो share करना चाहूँगी. Like जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं Unacademy में live पढ़ाती हूँ, ठीक है? सो मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, जिनको आप देख सकते हो. लेकिन उसके लिए आपको प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, क्योंकि ये प्लस के कोर्सेज हैं, ठीक है? लाइक एक कोर्स है हमारा कंप्लीट कोर्स ऑन जनरल पेपर 1 नेट GRF 2020, देन कंप्लीट कोर्स ऑन मैनेजमेंट फॉर नेट GRF 2020, एंड एक हमारा बैच कोर्स है. सो बेसिकली इन तीनों कोर्स में मैं आपको पूरा कोर्स जो है, एक तो मैनेजमेंट का एंड एक जो है हमारा जनरल पेपर 1 का पूरा सिलेबस कवर अप कराऊंगी, ठीक है? सो अगर आप लोग भी पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, या फिर मैनेजमेंट, या फिर यू वॉन्ट टू गो फॉर या फिर आप कॉमर्स से कर रहे हो, देन आप जो है मेरे कोर्सेज को फॉलो अप कर सकते हो. गाइस, इनके लिए खुद को एनरोल कराना मत भूलना. नाउ, इनका एक्सेस कैसे मिलेगा? सो इनका एक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसके लिए आप लोगों को प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा. आप देख रहे हो ग्रीन कलर से यहाँ पे लिखा है जो कि सौम्या सिंह -5273. ये रेफरल कोड यूज करके जो है आप 10% का डिस्काउंट इजिली अवेल कर सकते हो, ठीक है? नाउ, अगर एक महीने का लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो आप रेफरल कोड से 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. बट अगर आप एक महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 10% का डिस्काउंट आप और अवेल कर सकते हो. वो कैसे? वो होगा हमारे आपके प्रोफाइल में आपने क्रेडिट पॉइंट्स देखे होंगे, आपके ऐप में, आपकी प्रोफाइल में जाके देखेंगे, 10% तक का डिस्काउंट आप वहां से अवेल कर सकते हो, ठीक है? सो बेसिकली आपको टोटल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा डिस्काउंट है. सो जस्ट गो फॉर इट. बाकी आप लोगों को पता ही है कि क्लासेस हमारी लाइव होती हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होती हैं, लेसन हमारे टॉप एजुकेटर्स कंडक्ट करते हैं, वीकली क्विजेस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद अ सेशन. चलो हम लोग अब सेशन से अपने स्टार्ट करते हैं. सो सेशन का नाम क्या है आज के? सबसे पहले नाउ सेशन का नाम है अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन PERT CPM ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च बाय सौम्या सिंह, ठीक है? तो आज हम लोग PERT और CPM के बारे में पढ़ेंगे, ओके? नाउ PERT एंड CPM, गाइस 5 लोग देख रहे हैं अभी तक क्लास. PERT एंड CPM का जरा मुझे फुल फॉर्म बताओगे स्टार्ट करने से पहले? जल्दी से बताइए PERT एंड CPM का फुल फॉर्म होगा क्या? इसी से हम लोग अपना सेशन जो है वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? सो PERT, PERT स्टैंड फॉर व्हाट? या एक तो क्रिटिकल पाथ मेथड बता दिया प्रिया सिंह ने. देन PERT क्या है? PERT इज फॉर प्रोग्राम, गाइस बताओ जल्दी से कोई, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, राइट? ये PERT का फुल फॉर्म होता है, ओके? ओके, सो ये क्या है? PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड CPM स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, ओके? ओके, चलो तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं. नाउ PERT एंड CPM, गाइस PERT एंड CPM क्या होती है? ये हमारे नेटवर्क शेड्यूलिंग टेक्निक है. PERT एंड CPM हमारे कहाँ यूज होते हैं? जैसे कि हमें नेटवर्क जो है कोई फ्रेम करना है, जैसे कि हो गया हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो किस हिसाब से चलेगा, कौन से प्रोसेस में हम लोग कितना टाइम जो है लगाएंगे, ठीक है? एंड जॉब जो वर्क है वो हमारा कैसे फ्लो होगा, ठीक है? सो ये सब हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये सब हम इसी PERT एंड CPM टेक्निक के थ्रू ही डिसाइड करते हैं. तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है? नेटवर्क शेड्यूलिंग इज अ टेक्निक यूज फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, फैब्रिकेशन, परचेजिंग कंप्यूटर सिस्टम, इंस्टॉलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन, ठीक है?
तो नेटवर्क शेड्यूलिंग जो है बेसिकली हम लोग प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए यूज करते हैं जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड्स में उनके लिए, ठीक है ना। ये प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो ट्रबल्स हैं, जो मुश्किलें हैं, इंटरप्शंस हैं, वो कम हो सके, बॉटलनेक सिचुएशन कम हो सके, ठीक है। ताकि एंड इससे हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग जॉब के पार्ट को, ताकि हमारा जो वर्क फ्लो है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। सो दो बेसिकली टेक्निक होती है जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टेक्निक, जिससे हम लोग ये नेटवर्क फ्रेम कर सकते हैं। वो ये है, क्या है, दैट इज प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। ओके, चलो स्टार्ट करें इससे। नाउ नेटवर्क क्या है, अच्छा गाइस ये बताना, मैंने अभी बॉटल नेक सिचुएशन का नाम लिया था, बॉटल नेक सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। वॉट इज बॉटल नेक सिचुएशन गाइस, रिप्लाई फास्ट। What is bottleneck situation? Please tell. Bottleneck situation हमारी क्या होगी? Guys, bottleneck situation is जब मतलब ऐसी situation नहीं होनी चाहिए कि हमारे resources जो हैं एकदम खत्म होने को आ गए, ठीक है। तो ये situation नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें हमेशा या फिर ऐसी situation आ गई कि अरे कोई मशीन जो है वो खाली है, ठीक है, मतलब एकदम bottleneck situation, ठीक है, neck. एकदम स्थिति एकदम गंभीर स्थिति में नहीं होनी चाहिए, हमें उससे पहले जो है उसका सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए, ठीक है। सो नेटवर्क का बेसिक कंपोनेंट क्या है, चलो हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ गया, अ नेटवर्क इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन एंड इज कंपोज ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट दैट मस्ट बी कंप्लीटेड टू रीच द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो नेटवर्क क्या, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट कैसे ऑपरेट होगा उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, नाउ पर्ट एंड सीपीएम तब हम लोग समझेंगे जब उनके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स। हेलो शोवन, राइट, ओके, चलो लेट्स स्टडी अबाउट कंपोनेंट। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा एक्टिविटी आता है, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है, एक टास्क है, एक आइटम ऑफ वर्क है, ठीक है, जिसको हमें कंप्लीट करना है, जिसमें टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, पैसा लगता है या फिर और भी रिसोर्सेस लगते हैं, ठीक है। एंड एक्टिविटी जो है वो हमेशा दो इवेंट्स के बीच में लाई करेगी, जैसे कि ये नीचे आप डायग्राम देखो, यहाँ पे ये एक इवेंट है और एक इवेंट ये है, ठीक है, एंड ये एक्टिविटी है, ठीक है। तो लिखा था ना कि एक्टिविटी दो इवेंट के बीच में लाई करेगी, वही चीज हो रही है। ये जो पहली इवेंट है इसको हम लोग प्रिसीडिंग बोलते हैं, प्रिसीडिंग इवेंट, एंड जो बाद वाला है उसको हम लोग सक्सीडिंग इवेंट बोलते हैं। तो ये प्रिसीडिंग और सक्सीडिंग वर्ड आप समझ रहे हो ना कहाँ से आया है, प्रेडेसर सक्सेसर, राइट। जैसे हम हैं, हमारे बच्चे क्या होंगे, हमारे सक्सेसर ही तो होंगे, राइट, हमारे बाद जो हमारा है वो उनका हो जाएगा, है ना। सो इट इज एक्टिविटी जो है वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से करते हैं, ठीक है। एंड इसका जो हेड है, हेड मतलब ये, ठीक है, ये हेड वो क्या बताता है, वो बताता है कि इंडिकेटिंग द सीक्वेंस इन विच इवेंट्स आर टू अकर, ठीक है। आपके यहाँ पे दो इवेंट है, आपका हेड ऐसा है, आपके यहाँ दो इवेंट है, आपका हेड ऐसा भी हो सकता है, मतलब क्या है कि इवेंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है और इसका क्या है, इवेंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, राइट। तो एक्टिविटी आई होप के क्लियर है, हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं ना। अब एक्टिविटी की बात हो गई, अब बात करते हैं हम लोग डमी एक्टिविटी की। यहाँ पे आप देखो, जैसे कि ये सारे इवेंट्स हैं, ठीक है, ये इवेंट्स हैं हमारे, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है इन इवेंट्स में, एक ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है, ये एक्टिविटी सी है, ठीक है ना। हर एक इवेंट के बीच में जो है कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, मतलब। सो उसके लिए हम लोग एक डमी एक्टिविटी जो है ड्रॉ कर देते हैं,
ठीक है। डमी एक्टिविटी क्या होता है, हमारी डॉटेड लाइन से हम फ्रेम करते हैं, ओके। सो ये एक इमेजिनरी एक्टिविटी होती है, जस्ट कि इन दोनों इवेंट्स का हम कनेक्शन जो है एक दिखा सके। ये एक्टिविटी ना ही कोई टाइम, ना ही कोई मनी और ना ही कोई एफर्ट्स कंज्यूम करती है, इसको बस हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो डमी एक्टिविटीज आर सिंपली यूज टू रिप्रेजेंट अ कनेक्शन बिटवीन इवेंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ लॉजिक इन द नेटवर्क, ठीक है। एंड इसको हम डॉटेड लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है ये चीज, राइट है ना। चलो डमी एक्टिविटी हो गया ना, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इवेंट। अब उसमें मैंने इवेंट के बारे में भी बताया है, लेकिन इसको अब हम लोग इवेंट को डिटेल में देखते हैं। लेट्स सी नाउ, एन इवेंट रिप्रेजेंट द स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ सम एक्टिविटी एंड एज सच इट कंज्यूम्स नो टाइम, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट और कंप्लीशन पॉइंट जो है वो बताती है, ठीक है। एंड लाइक इवेंट जो है वो कोई टाइम कंज्यूम नहीं करती, एक बस होता है हमारा टेल इवेंट और दूसरा होता है हमारा हेड इवेंट, ओके। एंड इवेंट इज नथिंग बट अ नोड एंड इज जनरली रिप्रेजेंटेड ऑन अ नेटवर्क बाय अ सर्कल, ओके। सो इवेंट बस एक नोड है जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे एक्टिविटी को एरो से करते हैं, वैसे इवेंट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना, जनरली इन चीजों से कि सर्कल से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ओके। नाउ एन इवेंट इज नॉट कम्प्लीट अंटिल ऑल द एक्टिविटीज फॉलोइंग इनटू इट आर कम्प्लीटेड, ठीक है। ऑफकोर्स कोई इवेंट तब तक कम्प्लीट नहीं होगा जब तक जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं कम्प्लीट हो जाती, ठीक है। ऑफकोर्स ये इवेंट तब तक तो कम्प्लीट नहीं होगा जब तक ये जो एक्टिविटी यहाँ आ रही है वो कम्प्लीट हो जाए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, पर्ट एंड सीपीएम हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। नाउ देखते हैं आगे। An event representing the joint completion of more than one activity is called merge event. यहाँ पे क्या होता है? Like an event representing joint completion of more than one activity. मान लो एक ये गया, ठीक है, ये गया, एक मिनट, ये है मर्ज इवेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखो ये इवेंट है, ठीक है। इनमें जो है कई सारी जॉइंट एक्टिविटीज जो है वो आई है, ठीक है। इवेंट है कि इसमें कई सारी एक्टिविटीज आ गई, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली थी, ये एक इवेंट है, इसमें ये भी एक्टिविटी आ गई और ये भी एक्टिविटी आके कंप्लीट हो गई, ठीक है। सो एन इवेंट रिप्रेजेंट क्या है, एन इवेंट रिप्रेजेंटिंग द जॉइंट कंप्लीशन ऑफ मोर देन वन एक्टिविटी इज कॉल्ड मर्ज इवेंट, ठीक है। एंड इफ इवेंट रिप्रेजेंट जॉइंट इनिशिएशन ऑफ, एक इवेंट है एंड उससे जॉइंट इनिशिएशन हो रहा है, दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, दैट इज नोन एज हमारी क्या, बर्स्ट इवेंट, ठीक है। तो ये मर्ज इवेंट है, इज इट क्लियर, एंड ये वाला हमारा बर्स्ट इवेंट है, राइट। समझ में आ गया एवरी वन, किसी को कहीं भी कोई डाउट हो आप लोग तुरंत टोकोगे, ओके। चलो आगे देखते हैं। तो ये मर्ज और बर्स्ट हो गया, ये मर्ज वाला इवेंट है एंड ये बर्स्ट वाला इवेंट है। तो प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटीज, ओके। प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग इवेंट्स तो मैंने आपको बताया था, राइट। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटीज की। क्या है, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बिफोर गिवन इवेंट। मान लो हम इवेंट जे की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्टिविटी इस इवेंट के अकर होने से पहले जो परफॉर्म करी, विच इज ए, ये क्या है हमारी, ये हमारी प्रीसीडिंग एक्टिविटी। एंड एक्टिविटी परफॉर्म्ड आफ्टर द गिवन इवेंट जो कि हमारी सी है, ये क्या है, सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बिफोर गिवन इवेंट आर नोन एज प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड एक्टिविटी परफॉर्म्ड आफ्टर गिवन इवेंट आर नोन एज सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो एक्टिविटी लाइक ये लिखा है, एक्टिविटी ए एंड बी जो है इन केस में दोनों ही प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड सी एंड डी दोनों ही सक्सीडिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर, ठीक है। आई होप कि सबको क्लियर होगा ना। अब एक्टिविटीज को लाइक हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं, प्रेडिसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी एंड डमी एक्टिविटी, ठीक है। एन एक्टिविटी विच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर वन और मोर अदर एक्टिविटी स्टार्ट। ऑफकोर्स जो पहली एक्टिविटी होती है उसके बाद दूसरी भी एक्टिविटी स्टार्ट हो उसको प्रेडिसर एक्टिविटी बोलते हैं। एंड
ऐसी एक्टिविटी विच स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर वन और मोर ऑफ द एक्टिविटी आर कंप्लीटेड इज नोन एज सक्सेसर एक्टिविटी. ठीक है, डमी एक्टिविटी क्या है, जो ऑफकोर्स कोई टाइम एफर्ट मनी कंज्यूम नहीं करती है एंड बस हम लोग उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दो इवेंट के बीच में बस एक रिलेशन डराइव करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, एक कनेक्शन के लिए. ठीक है, क्लियर. नाउ कुछ एरर्स होते हैं जो हम लोग अवॉइड करने होते हैं. आई थिंक इस बार आया था हमारा लूपिंग या डैंगलिंग में आया था, आई थिंक लूपिंग एरर आया था इस बार के पी वाई क्यू में, मतलब जो इस बार पेपर हुआ था उसमें लूपिंग एरर आया था. सो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स. लूपिंग क्या है, इफ एन एक्टिविटी वर रिप्रेजेंटेड एज गोइंग बैक इन टाइम अ क्लोज लूप वुड अकर. लाइक ऐसे देखो आप, ये तीन एक्टिविटी हमने ड्रॉ करी. ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे होगा ना डायग्राम. हाँ ये है ना डायग्राम यहाँ पे. ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है. आपने क्या देखा, रिप्रेजेंट्स एज गोइंग बैक इन टाइम, मतलब क्या हो रहा है, ऐसे शुरू हुआ दोबारा वहीं जा रहा है, राइट, यही तो हमें दिख रहा है. सो एक क्लोज लूप बन जाता है, जैसे कि यहां बन गया क्लोज, ही तो है, जिससे एक एंडलेस साइकिल जो है वो आ जाती है, मतलब एक सर्कुलर प्रोसेस में आप समझ रहे हो चल रहे हो, तो एक एंडलेस साइकिल बन गई. तो इस सिचुएशन को हमें अवॉइड करना है, ये ध्यान रखना है, ये एरर है, ये एक्चुअल में नहीं होगा कभी भी. ऑफ कोर्स कोई भी एक्टिविटी दोबारा अपने स्टार्टिंग में थोड़ी ना पहुंचेगी, राइट. देन डैंगलिंग क्या होता है, कहां गया, नो एक्टिविटी शुड एंड विदाउट बीइंग जॉइंड टू द इवेंट एंड इवेंट सक इवेंट एंड अदर देन द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एज अ होल आर कॉल्ड डैंगलिंग. डैंगलिंग में क्या होता है कि कोई भी लाइक no activity should end without being joined to the end event. अब जैसे कि हमने एक activity निकाली, ठीक है, तो ये है, ठीक है, now हमने ऐसे करा, okay, and इसका like ऐसे हो गया. तो यहाँ पे आप इस वाले का देख रहे हो, ये किसी भी event से मैंने attach नहीं किया, right? तो ये क्या है, ये हमारा dangling event, ठीक है, okay? तो इस type का कुछ नहीं होना चाहिए कि कोई भी activity जो है वो हमारी हवा में लटकी हुई, no. हर एक एक्टिविटी एक इवेंट से स्टार्ट होनी चाहिए, इवेंट से निकलनी चाहिए एंड एक इवेंट में ही एंड हो जानी चाहिए. इज इट क्लियर, राइट. तो ये हमारा डैंगलिंग इवेंट होता है. चलो आगे देखते हैं. नाउ जब हमें जब हम लूप लाइक कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन से एरर्स लाइक हमें अवॉइड करने होते हैं, ऑफकोर्स लूपिंग एरर, ठीक है. देन टू एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम अ टेल इवेंट मस्ट हैव अ सेम बस नॉट हैव अ सेम एंड इवेंट, ठीक है. मान लो अगर ये टेल इवेंट से हमने दो एक्टिविटी स्टार्ट करी तो इनका सेम एंड इवेंट नहीं हो सकता, ऑफकोर्स नहीं होगा, अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग ही अलग तो होंगे, एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना हम कर सकते हैं, ये चीज नहीं करनी है हमें, इसका मतलब ये है, ठीक है. नाउ लूपिंग एरर ऑफकोर्स अवॉइड करना हम लोग पढ़ चुके हैं. देन एक स्टार्ट इवेंट होना चाहिए एंड एक एंड इवेंट होना चाहिए, ठीक है. Now the direction of arrow should flow from left to right. Of course, जो arrow आप देख रहे हो तब से मैं कैसे draw कर रही हूँ, left to right, left to right, left से right की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं draw होना चाहिए, ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे ये draw हो रहा है, ये avoid करना है, ठीक है, left to right ही होना चाहिए, ये make sure करना है आप लोगों को. चलो आगे देखते हैं. Network representation, यहाँ पे क्या है, each activity of a project is represented by an arc pointing in a direction of progress in project. For the construction of a network, generally the following rules are followed. ठीक है, क्या rules आपको follow करने हैं, like जब भी आप एक network को construct कर रहे हो, एक तो क्या है, हर एक activity को हम लोग सिर्फ एक ही arrow से represent करेंगे, ठीक है. ये नहीं करना है कि हम एक एक्टिविटी को लाइक एक से ज्यादा एरो से रिप्रेजेंट करें, उसका कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है. एंड हर एक एक्टिविटी के दो नोट्स होने चाहिए. नोट्स का मतलब क्या है, मैंने बताया था नोट्स हम किसके लिए यूज करते हैं, नोट्स हम यूज करते हैं इवेंट्स के लिए, ठीक है. तो एक स्टार्टिंग नोट होना चाहिए एंड एक एंड नोट होना चाहिए, ओके ओके, दो डिस्टिंक्ट नोट्स होने चाहिए, एक स्टार्टिंग नोट एक एंड नोट. देन नोट्स आर नंबर्ड टू आइडेंटिफाई एन एक्टिविटी एक्टिविटी यूनिकली, ठीक है.
सो नोट्स को क्या करना है, हमें प्रॉपरली नंबर करना है. ऑफकोर्स जो इवेंट्स है वो नंबर्ड ही तो है हर जगह, राइट? प्रॉपरली नंबर्ड होने चाहिए ताकि हम हर एक इवेंट को लाइक यूनिकली जो है आइडेंटिफाई कर सकें. देन बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोट्स देयर शुड बी वन एंड ओनली वन एक्टिविटी. हाउएवर मोर देन वन एक्टिविटी मे एमिनेट फ्रॉम एंड टर्मिनेट टू अ नोट. ओके ओके सो बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोट्स देयर शुड बी वन ऑफ ओनली वन एक्टिविटी. ओके नाउ एरो शुड बी केप्ट स्ट्रेट और नॉट कर्व्ड और बेंड. ऑफकोर्स एरो हमेशा स्ट्रेट रखना है, कर्व्ड या बेंड ऐसे करके नहीं एरो हम ड्रॉ कर सकते. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब लॉजिकल सीक्वेंस बिटवीन एक्टिविटीज जो हमें फॉलो करने हैं वो क्या है. किसी का मैसेज आया, एक मिनट. इन इकोनॉमिक्स मंजीत, बेटर होगा कि आप इकोनॉमिक्स के टॉपिक के लिए आप इकोनॉमिक्स के एजुकेटर से बात करो, ठीक है? आई थिंक तान्या भाटिया मैम हैं एंड गौरव सर एक हैं, ठीक है? तो आप उनसे बात करो क्योंकि इकोनॉमिक्स की फील्ड डिफरेंट हो जाती है ना थोड़ी. इकोनॉमिक्स लाइक प्रॉपर वो सब्जेक्ट बेस्ड है, तो आप उन्हीं से बात करो, वो ज़्यादा बेटर आपको गाइडेंस दे पाएंगे. ओके नाउ क्या लॉजिकल सीक्वेंस हमें एक्टिविटीज़ के लिए फॉलो करना है. एक तो क्या है, एन इवेंट कैन नॉट अकर अंटिल ऑल द इनकमिंग एक्टिविटीज इनटू इट हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है? ओके तो एक इवेंट तब तक पूरा नहीं हो सकता भाई जब तक इसमें कोई एक्टिविटी आती नहीं है, ठीक है? तब तक हम इवेंट फ्रेम ही नहीं कर सकते. बिना एक्टिविटी के कोई इवेंट थोड़ी ना हवा में आप ड्रॉ कर लोगे, राइट? देन एन एक्टिविटी कैन नॉट स्टार्ट अनलेस ऑल द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज ऑन विच इट डिपेंड्स हैव बीन कंप्लीटेड. देन डमी एक्टिविटीज शुड ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी. ऑफकोर्स डमी एक्टिविटी ऐसा नहीं कि हम कहीं भी ड्रॉ कर लें, जहां जरूरत है बस वहां पर ड्रॉ करो, ठीक है? मैसेजेस क्या है. हेलो मैम, विच सब्जेक्ट इज इट इज हम लोग ओ आर का पार्ट पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च का. सो ये मैनेजमेंट एंड कॉमर्स वालों के लिए हेल्पफुल होगा. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. नाउ सम कन्वेंशंस ऑफ नेटवर्क डायग्राम आर शोन इन फिगर ए बी सी एंड डी. चलो देखते हैं क्या कन्वेंशंस है. लाइक एक्टिविटी बी कैन बी परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग एक्टिविटी ए. या जब तक हमारा एक्टिविटी ए कंप्लीट नहीं होता तब तक बी नहीं स्टार्ट हो पाएगा, जब बी नहीं कंप्लीट होगा तब तक सी नहीं स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है? तो कोई भी दूसरी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब पिछली एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है? ना एक्टिविटी लाइक जैसे बी और सी है वो एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब हमारी एक्टिविटी ए जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है? ना सी स्टार्ट करने से पहले ऑफकोर्स एक्टिविटी ए और बी का कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है? देन यहाँ पे सी स्टार्ट होने से पहले एक्टिविटी ए और बी दोनों का कंप्लीट होना जरूरी, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइक एक कनेक्शन ड्रॉ कर दिया है ना, ठीक है? ये देखो ऐसे आके कनेक्ट हो रहा है, तो ए और बी दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है, तभी हमने लाइक एक कनेक्शन ड्रॉ करने के लिए डमी एक्टिविटी जो है वो लगा दी है. लेकिन जो एक्टिविटी डी है, ठीक है, वो हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, बी के ही कंप्लीट होने के बाद, ठीक है? देख रहे हो एक्टिविटी सी जो है उसके लिए ए और बी दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है, एंड एक्टिविटी डी के लिए सिर्फ बी का कंप्लीट होना जरूरी है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है ये चीज? हाँ टेल. है ना, क्योंकि एक्टिविटी देख रहे हो कैसे फ्लो हो रही है, वही चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है? अब चलो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये, अब देखो आप कहोगे कि मैम ओआर का प्रैक्टिकल पोर्शन तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, ठीक है? लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि आपको हर एक चीज़ का, हर एक टॉपिक का ओआर में प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं ये ज़रूर बताऊंगी, थोड़ा एक आइडिया, बहुत डेप्थ में जाके नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट से ही हमारा थ्योरेटिकल पार्ट दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है? तो जो हम लोग ने पढ़ा अगर आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर लोगे उसमें, सो ज्यादा बेटर वे में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है? चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. लाइक नेम ऑफ द एक्टिविटीज है हमारे पास,
A, B, C, D, E, F. Then start and finishing event, the important part. Okay. Then description है activities का, ठीक है, कि house plan prepare कर रहे हो, house construct कर रहे हो, doors and window लगा रहे हो, फलाना ढिमका. Then producer activity दी, मतलब जो हमारी starting activities होती है, ठीक है, and सबका time duration दिया है. Is it clear? Everyone? ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. लाइक सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो है प्रिपेयर द हाउस प्लान, दैट इज सॉरी इवेंट, इवेंट दैट इज प्रिपेयर द, नहीं एक्टिविटी है उसका डिस्क्रिप्शन है बस प्रिपेयर द हाउस प्लान. ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारे इवेंट्स है, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग इवेंट एंड ये उनकी एक्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इवेंट वन एंड टू ये स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग इवेंट है. ठीक है, इसमें क्या है, इसकी ऑफकोर्स इवेंट वन और टू सबसे पहले हमने ड्रॉ करा है. इसको मैं कहाँ ड्रॉ करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं इसी के ऊपर करके बताती हूँ. ठीक है, इवेंट वन और टू हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, एंड इनकी कोई प्रेडिसर एक्टिविटी नहीं, मतलब इससे पहले कोई कोई एक्टिविटी नहीं थी क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट किया. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा ना प्रेडिसर एक्टिविटी कोई नहीं है. ओके नाउ तो एक्टिविटी इसकी क्या होगी, इसमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, ए. ठीक है, क्योंकि इवेंट टू से थ्री में ए है हमारी प्रोड्यूसर एक्टिविटी. लाइक इवेंट टू से थ्री में जो है ए हमारी प्रोड्यूसर एक्टिविटी है, तो ए हमने यहाँ लिख लिया, मतलब स्टार्टिंग एक्टिविटी, राइट, जिससे हमारी टू और थ्री की एक्टिविटी जो है इमर्ज हुई होगी, है ना. फिर यहाँ पे क्या लिखा है, टू एंड थ्री का तो हो ही गया था, देन थ्री, टू एंड थ्री के लिए क्या है, प्रोड्यूसर एक्टिविटी ए है. ठीक है, लिख लिया. देन थ्री एंड फोर आप बनाओ, थ्री और फोर हमने बनाए. अब थ्री और फोर हम ऐसे कैसे बना देंगे, आप सोचोगे कि ठीक है मैंने वन से टू बनाया, ठीक है टू से थ्री बनाया, थ्री से फोर हम ऐसे बना देंगे, हम ऐसे टेढ़ा क्यों बनाए. लेकिन हमने एक चीज देखनी है कि तीन से थ्री से दो इवेंट्स निकल रहे हैं, राइट, एक फोर भी निकल रहा है, एक फाइव भी निकल रहा है ना, तो हम इसमें ऐसे करके एरो ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम दो लोगों को ला सकें यहाँ पे. ठीक है, एक फोर है एक फाइव है. नाउ ये थ्री और फोर का प्रेडेसर एक्टिविटी क्या है, बी है. ठीक है, बी है. एंड थ्री और फाइव का प्रेडेसर एक्टिविटी क्या है, बी है, मतलब दोनों एक ही एक्टिविटी से जो है निकल रहे हैं. ठीक है, नाउ अब क्या करना है, फोर और फाइव आ रहा है, दोनों सिक्स में घुस रहे हैं जाके. ठीक है, तो ये फोर है ये फाइव है, दोनों सिक्स में घुस रहे हैं जाके, आपने देखा, राइट. अब इनकी एक्टिविटी क्या है, इनकी एक्टिविटी है एक्टिविटी ई, ठीक है, एंड एक्टिविटी एफ. ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी लिखी है कि वन और टू के बीच में ए एक्टिविटी है, टू और थ्री के बीच में बी एक्टिविटी है, एंड ये जो प्रोड्यूसर एक्टिविटी है ये सिर्फ ये जानने के लिए कि हम लोग को लाइक कौन कौन से इवेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन, एंड सबके लाइक नंबर ऑफ टाइम, लाइक टाइम ड्यूरेशन दिया है. ठीक है, तो जो लोग हैं उनको क्लियर है ना ये चीज, आई होप कि क्लियर होगी अगर आप लोगों ने एमबीए में पढ़ रखा होगा अच्छे से अपने. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन है. ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपके पास दिया है एक्टिविटी और उनकी प्रेडेसर एक्टिविटी. ठीक है, सो इसमें आप कैसे ड्रॉ करोगे, चलो मैं आपको एक मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं शॉर्ट में. ठीक है, सो सबसे पहले एक्टिविटीज है उनकी प्रेडेसर एक्टिविटी. ठीक है, नाउ ए बी और सी इनकी कोई प्रेडेसर एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये तीनों जो है वो एक ही इवेंट से निकली होंगी. ठीक है, इसका मतलब ये इनकी कोई भी प्रोड्यूसर्स एक्टिविटी नहीं है, तो इवेंट की नंबरिंग यहाँ पे दी नहीं है, तो हम लोग अपने मन से करेंगे. ठीक है, वन टू थ्री फोर कर लिया. ठीक है, अब ये तीनों एक्टिविटी जो है इनकी कोई प्रोड्यूसर एक्टिविटी नहीं है, मतलब यही स्टार्टिंग एक्टिविटीज है हमारी ए बी एंड सी. ठीक है, नाउ डी जो है वो कहाँ से निकल रहा है, इसकी प्रोड्यूसर एक्टिविटी कौन है, ए है, मतलब ए के बाद जो है हमारा डी आएगा, राइट. ओके नाउ फोर तक हमारा इवेंट हो गया था, इसको हम फाइव लिख देंगे. ठीक है, नाउ एक चीज और देखो आप, ई और एफ दोनों के प्रोड्यूसर एक्टिविटी बी है. ठीक है, मतलब बी से जो है हमारा ई और एफ निकलेगा. ठीक है, मान लो हमने ये ई निकाला इवेंट सिक्स, ठीक है, और यहां से हमने ऐसे एफ निकाल दिया एक्टिविटी. ठीक है, ये इवेंट सेवन हो गया. क्लियर, नाउ जी कहां से निकल रहा है, जी निकल रहा है हमारा सी से. ठीक है, ना जी कहां से निकल रहा है हमारा, जी निकल रहा है हमारा सी से. ठीक है, जी निकल रहा है हमारा सी से. ओके नाउ
अब यहाँ पे क्या है, एच कहाँ से निकल रहा है, एच निकल रहा है हमारा डी से, ठीक है। तो डी कहाँ है, ये रहा, एच हमारा कहाँ से निकल रहा है, डी से, ठीक है। अब ये दोनों सेवन इवेंट में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, एफ और सी दोनों लोग सातवें इवेंट में ज्वाइन हुए हैं आके, ओके। नाउ एच हमारा निकल रहा है सी से, ठीक है, तो ये एट्थ हो गया एंड दिस इज एच। एंड आई कहाँ से निकल रहा है, आई हमारा ई से निकल रहा है, तो आई हमारा ई से निकलेगा, ओके। एंड जे हमारा कहाँ से निकल रहा है, एच और आई से, मतलब आई कंबाइंड है, आईस के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है, तभी जे जो है हमारा एच और आई से निकलेगा, ठीक है, ओके। नाउ के हमारा कहाँ से निकल रहा है, एफ और जी से, तो एफ और जी को हम लोग ने क्यों कंबाइन किया था यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों से के निकल रहा है, ठीक है। सो दोनों से के निकल रहा है एंड ये मामला हमारा खत्म, मतलब जो आखिरी इवेंट होगा उसमें ये दोनों जाके मिल जाएंगे, सिंपल सी बात, इज इट क्लियर, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी कि ये कैसे ड्रॉ होगी, ओके। लाइक अगर कोई भी एक्टिविटी जो है वो दो प्रेडेसर एक्टिविटी से निकल रही है, मतलब वो जो दो प्रेडेसर एक्टिविटी ना वो आपस में एक ही इवेंट में आके मर्ज हुई है, ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन, आई होप कि सबको क्लियर होगी ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये तो बात हो गई हमारे नेटवर्क शेड्यूलिंग की, ठीक है। अब चलो हम लोग सीपीएम पर्ट को अलग अलग लेके भी तो बात करनी है हमें, ठीक है, ये तो मान लो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, अब हम लोग को इनको अलग अलग भी जो है करना है, ठीक है, चलो देखते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड कंप्यूटेशन, चलिए देखते हैं। तो क्रिटिकल पाथ का जो उसका पर्पस क्या है, टू एनालाइज और कंप्यूटेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इज टू दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ मेथड मतलब जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, सबसे ज्यादा टाइम आपको किसी प्रोसेस को फुलफिल करने में लग रहा है, वो हम लोग देखते हैं सीपीएम के थ्रू, ठीक है। क्रिटिकल पाथ सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो टाइम ले रहे हैं वो हमारा क्रिटिकल पाथ से हम निकालते हैं। एंड फ्लोट, फ्लोट भी हम लोग जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है उनसे रिलेटेड वो भी इसी से निकालते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लाइक जो प्रोग्रेस होता है, एक्चुअल प्रोग्रेस हमारे प्रोजेक्ट के शेड्यूल ड्यूरेशन का, वो हमें पता चलता है, ठीक है ना। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वी कैरी आउट स्पेशल कंप्यूटेशन दैट प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो लाइक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें स्पेशल कंप्यूटेशन करना होता है, क्या करना होता है, सबसे पहले एक तो हमें पता चलता है टोटल ड्यूरेशन नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें कितना टोटल ड्यूरेशन लग रहा है। एंड कैटेगराइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट एज बीइंग क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारी एक्टिविटीज का लाइक कैटेगराइजेशन हो जाता है कि कौन सी क्रिटिकल है और कौन सी नॉन क्रिटिकल है। अब आप सोच रहे हो कि भाई तब से हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल, ये होता क्या है, ठीक है, क्या होता है ये। एक एक्टिविटी जो है उसको हम लोग क्रिटिकल कब बोलेंगे, कि अगर मान लो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्टार्ट करने में किसी भी तरह का डिले होता है, ठीक है, लेट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरे प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है वो डिले हो जाता है, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी है, ठीक है, कि एक जगह आपने गलती करी पूरे प्रोजेक्ट में वो गलती आपकी भारी पड़ी, ठीक है ना। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ स्लैक लेके चलते हैं, मतलब कि अगर कहीं भी थोड़ा भी टाइम डिले हो रहा है तो वो हमारे एंटायर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में इफेक्ट नहीं डालेगा, ओके, इज इट क्लियर, ठीक है। सो ये क्रिटिकल एक्टिविटी एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी जो है होता है, ओके चलो यहां देखते हैं ना। क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ मैथमेटिकली बेस्ड एल्गोरिथम फॉर शेड्यूलिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल अ सेट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, ओके। तो ये एक एल्गोरिथम है जहाँ पे हम लोग लाइक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज शेड्यूल करते हैं, प्लान करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ शेड्यूल्ड एक्टिविटीज दैट डिटरमाइंस द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, ओके। नाउ इट इज अ सिग्निफिकेंट टूल, कहाँ गया, हाँ, सिग्निफिकेंट टूल फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके। द कॉमनली यूज्ड विद ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन,
software development, research project, product development, engineering, and plant maintenance, among others. Okay, so critical path jo hai, wo bas hume yahi batata, how long does each task take before you can finish? Ki zyada se zyada kitna time lagta hai? Theek hai, critical path method. Now, ye kya hai? Ye deterministic hai. Isko US Navy ne 1950 mein jo hai develop kiya tha. Theek hai? Kya hai? No, I don't take commerce classes, लेकिन मैं management लेती हूँ. And आप ये बोल सकते हो कि management and commerce दोनों का syllabus like about 60% same है, right? तो आप मेरी classes उसके लिए भी attend कर सकते हो, ठीक है? Okay, तो the longest duration जो है किसी भी project का हमें पता चलता है इससे, simple. Okay, ना इसमें आपको कुछ चीजें देखनी है, of course, जो आपने starting में देखा होगा. एक मिनट हाँ, एक इवेंट था आई, ठीक है, दूसरा इवेंट था जे, एंड इनके बीच में एक एक्टिविटी थी, ठीक है. सो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हम कैसे देखेंगे? आई और जे से. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अभी तक तो हम इवेंट वन और टू लिख रहे हैं, अब इसके अंदर हम लोग ड्यूरेशन लिखेंगे, तब आपको और चीजें समझ में आएंगी. आई एंड जे, ठीक है. आई क्या होगा? लाइक हमारा स्टार्टिंग टाइम, एंड जे होगा हमारा एंड टाइम, ठीक है. ना क्रिटिकल पाथ का कैलकुलेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक है फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन, जिसमें आप ऐसे चलोगे, ऑफ कोर्स. एक है बैकवर्ड, जिसमें पीछे से आगे चलोगे. नाम से आप पता लगा सकते हो कि इसका मतलब क्या है. एक है फॉरवर्ड पास कैलकुलेशन एंड एक है बैकवर्ड पास कैलकुलेशन. ओके, नाउ क्रिटिकल पाथ क्या है? लाइक द क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ अ नेटवर्क दैट कंस्टिट्यूट एन अनइंटरप्टेड पाथ विच स्पैन्स द एंटायर नेटवर्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इज नोन एज क्रिटिकल पाथ. ठीक है, ओके. तो क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या बताता है? क्रिटिकल पाथ क्या बताता है? ऑफ अ नेटवर्क दैट कंस्टिट्यूट एन अनइंटरप्टेड पाथ व्हिच स्पैन्स द एंटायर नेटवर्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इज नोन एज क्रिटिकल पाथ. ओके, देन अब ये आपने देखा होगा, अब ये स्टार्टिंग में मैंने वर्ड यूज किया था फ्लोट, स्लैक. ये क्या होता है? स्लैक ऑफ एन एक्टिविटी एंड इवेंट. लेट्स सी, the float of an activity is the amount of time by which it is possible to delay its completion time without affecting the total project completion time. samjhe, float kya hai? ki ye wo time hai ki ha jisse aap delay, float ya slack ek hi baat hai, jisse aap itna delay kar sakte ho ki wo hamare total project ke completion time pe koi effect nahi dalega. matlab margin samajh lo, jitna margin le sakte ho, theek hai, ki bhai theek hai itna late ho jaye, isse zyada late nahi hona chahiye, theek hai. तो इसमें क्या है? इसमें आपका इवेंट फ्लोट होता है, एक्टिविटी फ्लोट होता है. तो इवेंट फ्लोट क्या है? द फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेटेस्ट टाइम एंड अर्लीस्ट टाइम. ठीक है, लेटेस्ट टाइम एंड अर्लीस्ट टाइम, ऐसे ही कुछ होता था ना. देन एक्टिविटी फ्लोट क्या है? इट इज अ फ्लोट इन द एक्टिविटी टाइम एस्टिमेट्स. एक्टिविटी फ्लोट में क्या होता है? एक्टिविटी टाइम एस्टिमेट्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे तीन टाइप के एक्टिविटी फ्लोट होते हैं. एक टोटल फ्लोट होता है, एक फ्री फ्लोट होता है, एक इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है, देन इंटरफेयरिंग फ्लोट होता है. बेसिकली फोर टाइप के हैं यहाँ पे दिए गए. तो टोटल फ्लोट क्या है? ये वो टोटल टाइम है लाइक जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को डिले कर सकते हो, सर्टेन एक्टिविटीज को, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट के डिले होने में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो ये एक पॉजिटिव डिफरेंस है बिटवीन earliest finish time and latest finish time. ठीक है, या फिर positive difference आप बोल सकते हो आप between earliest start time and latest start time. ठीक है, ना ये तो total float हो गया. अब free float क्या है? It is that portion of total float within which an activity can be manipulated without affecting the float of subsequent activities. It is computed for an activity by subtracting the head event slack from its total float. Okay, तो ये वो पोर्शन है हमारे टोटल फ्लोट का जहाँ पे एक्टिविटी क्या है, आप एक्टिविटी को मैनिपुलेट कर सकते हो. ठीक है, बाकी एक्टिविटीज को इफेक्ट करे बिना. ओके, देन इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड फॉर स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग फ्लोट ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी. ठीक है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी को बिना इफेक्ट करे हम किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट होने में डिले कर सकते हैं.
ठीक है, तो इससे हम कैसे इसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग द टेल इवेंट स्लैक फ्रॉम फ्री फ्लोट ऑफ द एक्टिविटी. ओके, देन इंटरफियरिंग फ्लोट क्या है ये देखते हैं. इंटरफियरिंग फ्लोट कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ द टोटल फ्लोट. इट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी अंडर कंसिडरेशन एंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन जीरो विच एवर इज लार्जर. ठीक है, तो ये हमारा इंटरफियरिंग फ्लोट है. क्लियर. नाउ सीपीएम की बात करें, ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है. ठीक है, लाइक इसमें सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी लिस्ट होती हैं जो जिससे कि आपका लाइक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, हर एक एक्टिविटी का टाइम जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है, सीपीएम से हम लाइक लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट या फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी, डिलेइंग प्रोजेक्ट का विदाउट मेकिंग द डिलेइंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन. ठीक है, देन हमें वो एक्टिविटीज यहाँ पे पता चल जाती है जो क्रिटिकल होती हैं, जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है. ठीक है, एक मिनट. लाइक अब ये जो सीपीएम है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहाँ कहाँ हेल्पफुल होता है. लाइक कटिंग, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन द क्रिटिकल पाथ, फास्ट ट्रैकिंग दैट इज पैरेलल वर्क प्लान्स एंड परफॉर्मिंग मोर एक्टिविटी, एक ही साथ कई सारे काम चला लो आप. देन क्रिटिकल पाथ क्रैशिंग दैट इज ओवर टाइम जब आप करते हैं. ठीक है, नाउ सीपीएम के अजम्पशंस क्या है. In any projects, the tasks are well defined. ठीक है, projects end when all tasks are completed. There must be a technical sequence of task, and task may be started and stopped independently with a given sequence. ठीक है, तो क्या है, कोई भी project जिसमें task जो है वो आपका well defined हो, projects end when all tasks are completed. There must be a technical sequence of task and task may be started. ये सब like assumptions. ठीक है, नाउ एल्गोरिथम आपने देखा होगा, ध्यान होगा अगर आपको, तो आप उसको ऐसे ही लिखते थे. लाइक आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट, यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश लिखते हो, यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट एंड यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश लिखते हो. राइट, ध्यान है किसी को, जब हम लोग क्वेश्चन करते थे हम लोग उसको ऐसे ही मैंशन करते थे, सेम इसी मैनर में जो यहाँ लिखा है. जस्ट अ सेकंड. पर्ट का सीधा हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, नहीं तो ये चीज हमारी रह जाएंगी. सीपीएम तो हो गया, अब हम लोग पर्ट देखते हैं. ठीक है, लाइक अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी द एस्टिमेटेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी फॉर पर्ट नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी की कंडीशन में ऑफकोर्स हम हर एक टाइम एक्टिविटी का जो टाइम है उसका एस्टिमेशन निकालते हैं. सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी टाइम इज बेस्ड अपॉन थ्री डिफरेंट एस्टिमेट्स मेड फॉर ईच एक्टिविटी. लाइक टाइम के तीन एस्टिमेट्स होते हैं, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम. ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक आप समझते होगे ना, सकारात्मक नकारात्मक. राइट, सो ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, एंड ये सकारात्मक मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होता है. ठीक है, विच अकर्स व्हेन एग्जीक्यूशन गोज एक्सट्रीमली वेल. ठीक है, देन मोस्ट लाइकली टाइम को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एंड इज द एस्टिमेट ऑफ द नॉर्मल टाइम एंड एक्टिविटी वुड टेक विच अकर्स व्हेन एग्जीक्यूशन इज अंडर डन अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल टाइम होता है. देन पेसिमिस्टिक टाइम क्या है, इट्स बी इस तरह, ये हमारा लॉन्गेस्ट टाइम है क्योंकि ये नकारात्मक बात हो रही है, दैट एन एक्टिविटी कुड टेक व्हिच अकर्स व्हेन एग्जीक्यूशन गोज एक्सट्रीमली पुअरली. ठीक है, नाउ लाइक आप फॉर्मूला लिखो, डी इज क्या होता है, डी क्या है, एवरेज ड्यूरेशन टाइम. ठीक है, एंड वी इज वेरियंस. राइट इट डाउन, डी इक्वल्स टू ए क्या था, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, प्लस 4 एम क्या था, मोस्ट लाइकली टाइम, एंड बी इज पेसिमिस्टिक टाइम, डिवाइडेड बाई 6. ये हमारा एवरेज ड्यूरेशन टाइम है.
एंड वही हमें वेरियंस निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए अपॉन सिक्स का होल स्क्वायर। राइट इट डाउन एवरी वन प्लीज, इसको मेंशन करो अपने पास। ओके चलो आगे देखिए फिर, है ना। नाउ पर्ट क्या है, दैट इज प्रोग्राम, ऑफ कोर्स ये किसके लिए स्टैंड करता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के लिए, ठीक है। सो ये एक वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो वाइडली यूज मेथड है जहाँ पे हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो हैं वो प्लान करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड पर्ट इज बेसिकली आर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल टूल, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का प्लानिंग एंड कंट्रोल टूल है। इट इज कंसिडर्ड एज अ रोड मैप फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इन विच ऑल ऑफ द लाइक मेजर एलिमेंट्स हैव बीन कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड टूगेदर विद देयर करस्पॉन्डिंग इंटर रिलेशंस। ओके PERT charts like are often constructed from back to front. ये probabilistic होते हैं, ध्यान है CPM हमारा deterministic होता है, ये probabilistic होता है। And इसको भी like उसको भी US Navy ने construct किया था ना, इसको कब construct किया है, developed during the design construction of Polaris submarine in the USA in 1950s. Okay. Now, PERT exactly है क्या अगर हम लोग बात करें, so PERT is mainly चीजें रिपीटेड हैं लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे नया मिल जाएगा, ठीक है। इट्स मेनली यूज्ड इन रिसर्च टाइप प्रोजेक्ट्स वेयर यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी एक्यूरेटली, ठीक है। तो जब हमें किसी का टाइम ड्यूरेशन हम अच्छे से मेजर नहीं कर सकते, वहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं। सो सिंस देयर इज अनसर्टेनिटी ऑन एक्टिविटी ड्यूरेशन, टू रिड्यूस द टाइम ड्यूरेशन अनसर्टेनिटी PERT uses three techniques. Of course, हम लोग ने पढ़ लिया है most likely estimate, optimistic estimate and pessimistic. ठीक है, वहाँ पे ध्यान है, वहाँ पे ये चीज A से represent करी थी, ये B से करी थी और ये M से करी थी, यहाँ पे फर्क आ गया है, ये TM से करा है, ये TO से करा है, ये TP से करा है, क्यों, क्योंकि वो optimistic time था, ये estimates है, ठीक है, most likely estimates, कहाँ गया, हाँ then optimistic estimate and pessimistic estimate, like formula hota hai iska, formula kahan hai, write it down, expected time equals to optimistic time plus 4tm, wahi cheez hai, theek hai, plus like tp upon 6 hai, wahi cheez, isko maine kaise bataya tha tab, A प्लस 4m प्लस बी अपॉन 6, राइट, है ना। फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखना, वहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा था, वेरियंस पढ़ा था, है ना। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है, लाइक उसका फॉर्मूला क्या होगा, TP माइनस TO अपॉन 6, वहां पे हम लोग कैसे पढ़ा था वेरियंस को, इट वॉज लाइक पेसिमिस्टिक ना, B माइनस A अपॉन 6 का होल स्क्वायर, यही तो चीजें पढ़ी थी, चीजें वही है, पर तो एकदम नया एड ऑन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, जैसे CPM और नेटवर्क हमने ड्रॉ करना सीखा था, वही चीज हमारी यहाँ पे भी काम आएगी, लेकिन यहाँ पे हम टाइम और मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। लाइक इसमें 3 हफ्ते लगे, इसमें 7 हफ्ते लगे, इसमें 4 हफ्ते लगे, इसमें 6 हफ्ते लगे, फिर हमने एक डेमी एक्टिविटी बना ली जिसमें 0 हफ्ता लगा, राइट, कंप्लीशन के लिए। अब इसमें अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट आप देख रहे हो, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, एक रेक्टेंगल शेप, ठीक है, एंड अर्लीस्ट फिनिश के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक डायमंड शेप, इज इट क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लाइक सबसे पहले ऑफकोर्स 0 0 यहाँ पे टाइम होगा, फिर यहाँ पे लाइक एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट लाइक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें आएंगी, एक तो 3 हफ्ते लगते हैं और फिर इस रास्ते से हम जाएंगे तो कितने हफ्ते लगेंगे, तो 4 हफ्ते लगेंगे, राइट। तो हम लोग मैक्सिमम वाला लिख देंगे, ठीक है, सेम यहाँ के लिए, यहाँ तो सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज 4 वाला, तो 4 ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक तो 6 हफ्ते लग रहे हैं, ठीक है, अगर ये रूट अपनाते हैं,
एंड अगर यहां से यहां जाते तो कितना टाइम लगेगा, 4 + 7 विच इज इक्वल टू 11, फिर हम लोग मैक्सिमम वाला उठा लेंगे विच इज 11, राइट। तो जितना भी ड्यूरेशन लग रहा है वो कैलकुलेट करो, हर चीज के दो रास्ते हैं उसके थ्रू, एंड जो मैक्सिमम वाला है उसको नोट डाउन करके लिख दो। इज इट क्लियर एवरीवन? ये अर्लीस्ट स्टार्ट आएगा हमारा, ठीक है, कि जितना कम जल्द से जल्द आप स्टार्ट करोगे तो उसमें हम मैक्सिमम टाइम लिखेंगे। ओके, क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब यहां देखो वो फॉरवर्ड पास था, ठीक है, जब हमने बोला था आगे से पीछे चलेंगे, अब हम बैकवर्ड पास शुरू करेंगे, ठीक है। वही चीज हमारी यहाँ पे लिखी है। तो बैकवर्ड पास में हम क्या देखेंगे, बैकवर्ड पास में लाइक हमने देखा, ठीक है, इसको लगा 6 घंटा, इसको लगा था, इसको नहीं 6 और 4 सॉरी, इसको 10 लगा एंड इसको 7 और 4 11 लगा। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम वाले लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है जो यहाँ पे 3 था, एक और एक क्या था, अगर हम लोग वैसे ले पीछे से तो एक है 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 4 वाला लिया, सेम वही चीज करेंगे जो हम लोगों ने उधर करा था, बस यहाँ पे पीछे से आगे चल रहा है, वहां पे आगे से पीछे था, सिंपल, ठीक है। नाउ टैबुलेशन करना, ऑफ कोर्स एनालिसिस करना एक्टिविटीज का, लाइक फ्लोट्स के कई सारे फॉर्मूलाज भी होते हैं, ठीक है। सो वो फॉर्मूला आप देख लो बस। अर्लीस्ट फिनिश, इसको हम ऐसे लिखते हैं, खैर अर्लीस्ट फिनिश इक्वल्स टू अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, ठीक है। फिर लेटेस्ट स्टार्ट क्या है, इक्वल्स टू लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन, ठीक है। मैंने ये आपको बता रखा है कि अर्लीस्ट स्टार्ट जो है वो हम लोग रेक्टेंगल में रखेंगे एंड लेटेस्ट फिनिश जो है वो हम लोग किस में रखेंगे, वो हम लोग डायमंड शेप में रखेंगे, ठीक है। सो दो इंपॉर्टेंट टाइप के फ्लोट होते हैं या स्लैक होते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, ठीक है, जिनका अपना भी फॉर्मूला होता है। टोटल फ्लोट का क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, एंड फ्री फ्लोट का क्या होता है, अगर एक्टिविटी का 0 टोटल फ्लोट है तो 0 उनका फ्री फ्लोट भी होगा, ठीक है। ओके, सो गाइस इसी के साथ हम लोग ये वाला सेशन एंड करें। आई होप कि पर्ट एंड सीपीएम का जो भी मैंने आज आपको बताया है वो अच्छे से क्लियर होगा, राइट, है ना। हम लोग ने कुछ बहुत मतलब मैंने एक एक चीज तो नहीं बताई लेकिन मैंने काफी कुछ बता दिया आपको इसमें। सो आप अच्छे से लाइक एग्जामिनेशन को देख के एक एक चीज की प्रिपरेशन करो गाइस। अगर यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर करना है देन प्लीज अनअकैडमी के प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन के साथ जरूर जाओ आप लोग, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंड जब भी लो देन प्लीज मेरा रेफरल कोड यूज करना मत भूलना जो कि है Saumya Singh -5273, इसका फायदा आपको बताइए, आप ये रेफरल कोड यूज करके 10% तक का डिस्काउंट इजिली अवेल कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड कल जहां तक हम लोग की DI की स्पेशल क्लास होगी सो प्लीज आप उसको जरूर अटेंड करना, ठीक है। चलो गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।